आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आदिवासी बाहुल्य जिले पर बिजली व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। कई जगह तो जिले में लगभग 15 से 20 दिन तक लाइट नदारद रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों द्वारा स्थानीय कार्यालय को सूचना देने के बाद भी लाइट के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं करना, लेट लतीफी, टालमटोल करना, ये ग्रामीण क्षेत्र में आम बात हो गई। ऐसा ही एक मामला पाटी क्षेत्र के गारा ग्रामवासियों ने अपने स्वयं के खर्च करते हुए ट्रांसफार्मर लेकर बड़वानी विद्युत मंडल के स्थानीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक उन्हें ट्रांसफार्मर बदल कर नहीं दिया गया। थक हार कर उन्होंने अपने माध्यम से मीडिया कर्मियों को सूचित करते हुए, अवगत कराते हुए अपनी परेशानी बताई। मीडिया कर्मियों ने पहुंचते ही वहां के अधिकारी कर्मचारी हरकत में आ गए तथा ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई की गई। जिन अधिकारी कर्मचारियों को ढूंढने के लिए लगभग 4 घंटे लगे, मीडिया कर्मियों के पहुंचते ही वहां पर कर्मचारियों का मेला लग गया। स्वयं इस वीडियो को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो ट्रांसफार्मर बदलने की गति तेज कर चुके थे। ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले किसान आदिवासियों को किस प्रकार परेशान किया जाता है और पैसे ऐंठने के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। याद रहे, ट्रांसफार्मर बदलने की पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर कार्यालय और क्षेत्र के लाइनमैन की होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः देखने को नहीं मिलता। इस पूरे मामले में गारा ग्राम से पार्टी होते हुए बड़वानी अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर लगाकर घन चक्कर बन गए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। भाई साहब, आज एमपीपी विद्युत मंडल किस लिए आए आप लोग? हम लोग भाई साहब ये ट्रांसफार्मर हमारे पार्टी तहसील के किसान ट्रांसफार्मर लेके आए थे, गारा जिले गारा पंचायत के। उनका ट्रांसफार्मर 15 दिन से जला हुआ है, तो 15 दिन से जला हुआ है, तो 15 दिन के बाद उन्होंने सूचना लाइनमैन को दी, तो लाइनमैन ने भी अभी तक नहीं बदला। और आज ट्रांसफार्मर उतारने के एवज में किसी लाइनमैन ने उन्हें उतारा, किसी उतरा के लाया वो, तो 1000 उन्हें लिए चेन कॉपी करो ट्रांसफार्मर उतारने के। फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ट्रांसफार फेल करने के एवज में 1500 रुपये वहाँ जय के ऑफिस में लिए, पार्टी में नागेश करके कोई है अधिकारी वहाँ। नहीं तो इसमें कोई रसीद दी है कि नहीं? कोई नहीं, बिना रसीद के ऐसे दिए और पैसे ले लिए। और आज हमने फिर यहाँ ऐसे हिसाब से बात करी, ऐसे हिसाब ने कहा मैं उचित कार्रवाई करूँगा। हम लोग भी ये चाहते उचित नहीं कार्रवाई हुई, तो हम इसके गेट का ताला लगा कर बिल्कुल अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठेंगे। अभी यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? साहब ने कहा है कि हम ट्रांसफार्मर भी दे रहे हैं ऐसे साहब ने, और जिन लोगों के साथ ये कत्ल किया, जिन्होंने पैसे रिश्वत लिए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करके आपके संज्ञान में डालूंगा। ये कितनी बजे से खड़ी है यहाँ पर ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर लेके गाड़ी 1 बजे से खड़ा हुआ, 3 से 4 घंटे हो गए इसके। अभी लग कोई अधिकारी इसको उतारने के लिए अभी तक तो कोई इनके पास नहीं आया। और हमारे को फिर फ़ोन लगाए, हम लोग आए, जब जाके हमने अधिकारी से, डी साहब से बात की, डी साहब को चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, एसी साहब से बात करी, एसी साहब यहीं थे, एसी साहब के रूम के पास में यहाँ भी मतलब पैसे लिए जाते हैं किसानों से। इस संबंध में कोई शिकायत मिली? हाँ, शिकायत मिली, जब भी तो हम शिकायत बता रहे, अब लिखित में हम CMD साहब इंदौर तोमर, अमित तोमर के नाम ज्ञापन दे रहे हम एसी साहब को। अभी आपका नाम? रामलाल। कहाँ के निवासी हो आप? कल मिजोर का। ये कहाँ, किस क्षेत्र में पड़ता है? ये गारा के पास में है, रसमल पंचायत का, पाटी क्षेत्र के अंदर। हाँ, तो आप यहाँ MPP के अंदर क्या लेने आओ आप? DP लेकर है। DP में क्या हो गया? वो जल गया वहाँ पार्टी में, जैसे DP जल गया था, वहाँ से लेके आए हो? गाड़ी बंदावल में कंप्लीट दिया, पहले गिरिट पे वो जांच करने आया। हाँ, वो बंदावल का भी नहीं कंप्लीट दिया, और वो भी गिरिट पर से आया, वो बजा रहा। हाँ, उसको बोला तो वो भी नहीं कंप्लीट दिया, तो पार्टी आया मैं 15 तारीख को। तो वहाँ आपने सूचना दे दी थी पार्टी में? हाँ, पार्टी दे दिया। वहाँ पर कोई आपसे पैसे लेन देन भी करा किसी ने? उस दिन तो नहीं लिया, 15 तारीख को, फिर से वो सुनवाई नहीं करा, तो फिर 18 तारीख फिर ऐसे आया। हाँ, जब भी नहीं सुनवाई करा तो कल फिर गया था। हाँ, कागज बना के 1500 ले लिया वो। हाँ, तो लाइट कितने दिन से बंद थी? 15 दिन हो गए, 15 दिन के आसपास। उसके बाद यहाँ बढ़वा नहीं आया? उसके बाद बढ़वा नहीं आया। जो ट्रांसफर ले, कितनी देर से खड़ा आप यहाँ पर? 4 घंटा है, कम से 4 घंटे। कोई सुनवाई हुई तुम्हारी? नहीं। किसने लिए पैसे आपसे पार्टी में? पार्टी नागेश। कौन है नागेश? ऑफिस वाला है। कितने पैसे लिए? 1500। और उतारने वाला वो गया था ना, वो 1000 रुपये ले। वो रसीद दी? नहीं दी। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी क्या आश्वासन दिया? का ही नहीं मिला अभी तक। अभी तक कोई आश्वासन? यहाँ पर ही पैसे का लेन देन हुआ क्या? अभी तक कोई बात नहीं हुआ। आया नहीं उतारने के लिए, तो क्या करें? अभी तक आप उतारने के लिए नहीं आए? अभी तक नहीं खड़ा। इस संबंध में कोई शिकायत करी तुमने?
मैं सुरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अधीक्षण यंत्री अभी इंदौर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया हूँ। मतलब आए हुए लगभग एक माह हो चुका है। सर ग्रामीण पहुँचे ट्रांसफार्मर लेके पहुँचे हैं ग्रामीण? हाँ ट्रांसफार्मर लेके आए हैं और जो समस्याएं बताई जा रही है ने आपके मनसाराम जी कुशवाहा जी राजपुर से जो भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि ये ट्रांसफार्मर कुछ दिनों से जला हुआ है और ट्रांसफार्मर यहाँ लेके आए हैं और दे नहीं रहे हैं। सर खोलने के भी पैसे लिए हैं? वो खोलने की बात बता रहे हैं कि खोलने के पैसे भी लिए हैं, कागज़ बनाने के भी पैसे लिए हैं। अगर इसमें लिए हैं तो मैंने उस पर कार्रवाई करूँगा, यानी जो उपभोक्ता लोगों ने पैसे दिए उनके बयान लेके और जो इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग 20 दिन से बंद, सर इतने लंबे समय से ट्रांसफार्मर, तो वो अवधि का भी पता कर लेंगे कितने दिन से क्यों बंद पड़ा हुआ, ये कब सूचना मिली और इन्होंने क्यों लेट उतारा उसको। वहाँ सर क्षेत्रीय जो पार्टी के जो विद्युत मंडल के कर्मचारी है उनका दायित्व नहीं बनता सर? दायित्व उनका दायित्व तो है, ड्यूटी भी है उनकी, और अगर दायित्व में कोई आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।